बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम फंक्शन वैल्यूज़ मालूम करना सीखेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 बुक टू फॉलो। करंट लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर BS बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथ्स, कॉम, उर्दू, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स एंड BBA फर्स्ट सेमेस्टर। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 3। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x व्हेन x इज ग्रेटर देन 7। ये फंक्शन जो दिया हुआ है, इसको स्प्लिट कर दिया हुआ है दो हिस्सों में। इसका एक हिस्सा तो ये है कि आपने अगर x 7 से बड़ा है, कोई भी नंबर 7 से बड़ा अगर पुट करना है, तो आपने फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज करना है 1 ओवर x। दूसरा हिस्सा है कि 2x यूज करना है अगर x लेसर देन 7 है या 7 के इक्वल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं x 8 पुट करना चाहता हूँ, तो मैं फंक्शन का ये वाला हिस्सा जो है ये यूज करूँगा 1 ओवर x, यानी x इज इक्वल, क्योंकि 8 मुझे पता है 7 से बड़ा है, तो मैं f ऑफ 8 जो मालूम करूँगा, तो इसमें x की जगह 8 पुट करूँगा, 1 ओवर 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने x 6 मालूम करना है, तो फिर मुझे फंक्शन का ये हिस्सा मालूम यूज कर, क्योंकि 6 आपको नजर आ रहा है कि वो 7 से छोटा है, तो यानी ये उसमें फिर मैं x की जगह 6 यहाँ पुट करूंगा, इसमें नहीं पुट, 8 पुट करना था इसमें पुट करूंगा, 6 पुट करना था इसमें पुट करूंगा। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की जो उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वो उसकी जस्टिफिकेशन है कि फंक्शन का ये वाला पार्ट हमने यूज ही कब करना है, जब x 7 से बड़ा हो, और ये वाला पार्ट कब यूज करना है, जब x 7 या 7 से छोटा हो। तो अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, उसके आगे पे चलते हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ f ऑफ -4। अब f ऑफ -4, मुझे आप ये बताएं कि -4 जो है वो 7 से बड़ा है या 7 से छोटा है। ऑब्वियसली -4 7 से छोटा है, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा फिर इसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा, वो ये वाला। जब आप ये वाला यूज करेंगे, तो फिर f ऑफ x की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे f ऑफ -4 x की जगह -4, और जैसे ये एरो से इंडिकेट हो रहा है कि फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज करना है, क्योंकि -4 7 से छोटा है, तो 2 इंटू -4 आ जाएगा। x की जगह आपने पुट किया था -4, उसके लिए फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज करना है, तो 2 अपनी जगह ही रहा और x की जगह आपने पुट कर दिया -4। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x आपने यूज करना था, तो वो आपने f ऑफ x इक्वल टू 2x यूज कर दिया, चूंकि x लेसर देन 7 है, x -4 है वो लेसर देन 7 है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 इंटू -4 आ जाता है -8, तो f ऑफ -4 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन का अगला पार्ट जरा देखें, f ऑफ 4 मालूम कर। तो क्या f ऑफ 4 मालूम करने के लिए कौन सा फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज होगा कि ये वाला? अभी भी यही यूज होगा। उसकी रीजन क्या है, भाई 4 भी तो 7 से छोटा है ना, तो फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज होगा। जब आप ये वाला पार्ट यूज करते हैं, तो फिर आप f ऑफ 4 जब लिखते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू 4, वो आ जाएगा f ऑफ 8। ओके, क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, f ऑफ 0 मालूम कर। तो f ऑफ 0 मालूम करने के लिए भी फिर यही पोर्शन फंक्शन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 0 अभी भी 7 से छोटा है, तो f ऑफ 0 आ जाएगा 2 इंटू 0, 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, f ऑफ 3 मालूम करना, वो भी वही मसला है, 3 भी 7 से छोटा है, और अभी यही फंक्शन का हिस्सा, यही पार्ट जो है वो यूज होगा। और आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जो हम वैल्यूज मालूम कर रहे हैं, वो x की जो वैल्यूज पुट करना कर रहे हैं, वो 7 से छोटी आ रही हैं, तो हम इसी पार्ट को ही यूज कर रहे हैं। f ऑफ 3 भी आएगा 2 इंटू 3, और वो बन जाएगा 6। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है f ऑफ 7.9। हाँ जी, अब आप जरा गौर से देखें कि अब आपके पास 7.9, तो पक्की बात है कि वो 7 से बड़ा है, तो अब x चूंकि 7 से बड़ा आ गया, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज होगा, वो भी जरा देख लें। फंक्शन का ये वाला पार्ट जब यूज होगा, f ऑफ 7.9 अगर मालूम करना है, तो फंक्शन का ये वाला पार्ट यूज होगा, चूंकि 7.9 जो है वो हमारे पास 7 से बड़ा है, तो जब आप ये वाला यूज करते हैं हिस्सा, तो f ऑफ 7.9 का आंसर क्या आता है, उसके लिए आपने फिर क्या पुट करना है, 1 ओवर x।
जब आपने एक्स की जगह 7.9 पुट किया तो फंक्शन का ये वाला यूज किया हिस्सा, तो आ जाएगा 1/7.9। इसको हम लिख सकते हैं 10/79। तो एफ ऑफ 7.9 आ गया 10/79। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट एफ ऑफ 6.9 मालूम करना है। तो एफ ऑफ 6.9 मालूम करने के लिए फिर क्या करना है, 6.9 अभी भी 7 से छोटा है, तो कौन सा जो पार्ट है वो यूज होगा आपके पास, वो फंक्शन का फिर ये वाला हिस्सा जो है वो यूज होगा, चूंकि 6.9 जो है वो 7 से छोटा है। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ 6.9 इज इक्वल टू 2 × x, x की जगह पुट कर देंगे 6.9, तो बन जाएगा 13.8। तो अभी तक तो जो क्वेश्चन के पार्ट उसने कहे थे उसमें कुछ ज्यादा जगह पे यही पोर्शन फंक्शन का यूज हुआ, चूंकि ज्यादा x की वैल्यू जो थी वो 7 से छोटी थी, एक ही जगह 7 से बड़ी वैल्यू आई है, और वहां हमने फंक्शन का ये वाला हिस्सा 1/x वाला यूज कर दिया। अब अगला पार्ट क्या है, t² + 5। अब देखिए t² + 5 जो है इसके ऊपर में कोई श्योरिटी नहीं है कि ये 7 से बड़ा है या 7 से छोटा, क्योंकि अगर मैं t0 पुट कर दूं तो 5 आएगा, 5 7 से छोटा होगा, और अगर मैं t2 पुट कर दूं तो वो आ जाएगा 4, और 4 + 5 9 हो जाएगा, वो 7 से बड़ा होगा। इसलिए इस पार्ट को मालूम करने के लिए याद रखें, चूंकि आपको ये नहीं पता कि t² + 5 7 से छोटा है या बड़ा, इसलिए ये वाली फंक्शन वैल्यू मालूम करने के लिए फंक्शन के दोनों पार्ट्स ही आपको यूज करने हैं। और अब वो देखते हैं कि वो कैसे हमने यूज करने हैं। फंक्शन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया आपको कि x 7 से बड़ा हो तो 1/x यूज करना है, x 7 के बराबर या 7 से छोटा हो तो आपने 2x यूज करना। अब आप देखते हैं कि एफ ऑफ t² + 5 आएगा 1/t² + 5 अगर t² + 5 7 से बड़ा है। गौर करें ना, x की जगह मैंने t² + 5 पुट किया, और आगे कंडीशन क्या है कि t² यानी x ग्रेटर देन 7 हो, तो अब मैं t² + 5 को कहूंगा ना ग्रेटर देन 7, तो फिर वो आ जाएगा 1/x, वो 1/t² + 5 आ जाएगा। और अगर t² + 5 7 से छोटा हुआ तो फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज होना है, तो आना 2 × x, तो 2 × t² + 5। ये बात समझ आ गई है, फंक्शन के दो हिस्से हमने यूज कर दिए हैं, एफ ऑफ t² + 5 इज इक्वल टू 1/t² + 5 इफ t² + 5 is greater than 7, f of t² + 5 is equal to 2 × t² + 5 if t² + 5 is lesser or equal to 7। ये अपर पोर्शन जो है उसमें बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया है कि 5 को हम राइट साइड पे ले गए हैं, तो 7 - 5 आ जाएगा, t² > 7 - 5, 1/t² + 5 as it is, सिर्फ इसको हमने चेंज किया। ये जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ ये t² + 5 > 7 था ना, तो आ गया t² > 7 - 5, जस्ट ये चेंज किया और कुछ नहीं किया, सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, और इधर भी कुछ नहीं किया, 2t² + 5 वैसे ही है, और हमारे पास था यहाँ पे t² + 5 लेसर आर इक्वल टू 7, उसको हमने लिख दिया t² is lesser than 7 - 5, यानी ये 5 को हम राइट साइड पे लेके गए हैं, तो वो नेगेटिव साइन हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसको सिंपलीफाई किया है, ये 7 - 5 जो था वो क्या था, वो 2 बन जाएगा, और इसी तरह ये 7 - 5 2 बन जाएगा। बाकी इसको चेंज नहीं, ये तो नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ इसको चेंज कर रही है, 1/t² + 5 व्हेन t² > 2, 2t² + 5 जब t² is lesser or equal to 2। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिर्फ ये हो जाएगा कि हम स्क्वायर रूट ले लें इस तरफ, तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ t² + 5 इज इक्वल टू 1/t² + 5 इफ t is greater than √2। ये देखें जरा, t² > 2 था तो t > √2 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके, इधर 2t² + 5 है तो ये t < √2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, एफ ऑफ t² + 5 इज इक्वल टू 1/t² + 5 व्हेन t > √2, एंड एफ ऑफ t² + 5 इज इक्वल टू 2 × t² + 5 व्हेन t > √2।